तो गाइस एंट्री हो गई है, अभी हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि मैं कुछ खाना खा के नहीं आई थी। तो देखते हैं क्या लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ क्या खाने का यहाँ पे हिसाब किताब है। अभी गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है यार, सच में हद कर दी। ये दो कूपन, एक में मैं ले रही हूँ पाव भाजी और दूसरा देखती हूँ क्या लेता है। और आप देखिए भैया, एक हमारा भी है तो गाइज मैंने सोचा कि मैं एक अपना भी आप सबको एक शॉट दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पर एक अपना एक बहुत ही शॉर्ट सा क्लिप लिया है। और मैं अभी जिस मतलब स्टेट में हूँ वो अभी असम, यहाँ पे सब कुछ मतलब बैम्बू का था, बैग्स और एवरीथिंग। और यार मेरी एक बात समझ में आ रही है, दिन में गर्मी हो रही है, सुबह शाम के ठंड हो रही है, पहने तो पहने गई, ये समझ नहीं आता। एक तो यस गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड एंड सेफ। तो गाइस मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं सो के फाइनली उठ गई हूँ। मेरी आंखों से लग रहा होगा नींद है क्योंकि रात को लेट सोई थी, सुबह जल्दी उठ गई। तो अब मैं जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ ट्रेड फेयर। तो पहले मैं रेडी जाती हूँ, फिर सीधे मैं आपको ट्रेड फेयर में मिलती हूँ। तो गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं और जो प्रगति मैदान की जो एंट्री है वो है गेट नंबर 3। और यहाँ से अब हम चलते हुए, बहुत ज़्यादा रश है। तो गाइज देखिए ट्रेड फेयर में ऐसी दो लाइनें लग रही हैं, एक है विदाउट बैगेज, एक है विद बैगेज। तो हम हैं बैगेज वाले, तो मैं हूँ मतलब बैगेज की लाइन में और जिनके पास सामान नहीं है इस लाइन में। तो गाइज एंट्री हो गई है, अभी हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि मैं कुछ खाना खा के नहीं आई थी। तो देखते हैं क्या लेती हूँ और मैं आपको भी बताती हूँ क्या खाने का यहाँ पे हिसाब किताब है। अभी गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है यार, सच में हद कर दी। तो हम अंदर फूड कोर्ट में एंट्री करते हुए और देखते हैं कि मेन्यू में क्या है यहाँ पे आपके साथ। ये है ना फूड आइटम, ये है गाइज। तो गाइज मैंने लिए हैं 150-150 रुपये के दो कूपन, एक में मैं ले रही हूँ पाव भाजी और दूसरा देखती हूँ क्या लेता है। और आप देखिए भैया, एक हमारा भी है जी। गाइज अब हम ले रहे हैं फ्राइड राइस और मंचूरियन। इस खाना खाने के बाद अभी हम घुसे हुए हैं हॉल नंबर 11। यहाँ पे फुटवेयर, आईटी, होम अप्लीकेंस, इलेक्ट्रिकल्स का सामान है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। तो अब आ गया मेरा वाला कलेक्शन जो मुझे देखना है। हैंडमेड पर्स हैं यहाँ पे, आप भी देख सकते हैं। ये अच्छा लगा। कितने का? तो गाइज अभी मैं तनिष्क में गई थी, कुछ इन्वेस्ट कराया आज और फिर आइसक्रीम ली और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइज ये जो सेक्शन था ये था शायद असम का, यहाँ पे सब कुछ बैम्बू का था मतलब, और बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे पर्स वगैरह सब कुछ बैम्बू में थे और मैंने अपना एक बहुत ही शॉर्ट सा क्लिप लिया हुआ है क्योंकि मेरी कोई फुल वीडियो नहीं थी। तो मैंने किसी को बोला कि आप मेरी वीडियो शूट कर दो, उन्होंने बोला ठीक है आप ऐसा देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में सब कुछ बैम्बू का ही है। ये वाला शायद मेघालय साइड का था, बाकी मुझे इतना ठीक से याद नहीं है अभी। तो वेलकम टू आवर देवभूमि, यस इट्स उत्तराखंड। तो यहाँ पे मैं अंकल जी से बात कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं साथ ही साथ मिरर में एक शॉट ले लूँ अपना। अंकल जी मेरे से बात कर रहे थे, मैं इनसे बात कर रही थी, मेरे से पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो। तो मैंने बताया कि मैं अभी मतलब अल्मोड़ा से ही हूँ। और अब आगे देखिए हमारी कुमाऊँ ब्यूटी, नथ पिछौड़ा, गुलोबंद, पौजी, दाल, गडेरी, मूली, यहाँ पर सब कुछ था। मैं लेके भी आई हूँ थोड़ा बहुत सामान और मैंने मिठाई भी ली है, बाल मिठाई। और इन आंटी जी ने सब कुछ कुमाऊँ ज्वेलरी डाली हुई है, आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मतलब अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए, हम चाहे कहीं पे भी हो तो ये हमारे एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब जूट का काम का वर्क है, बैग, स्लीपर सब जूट के हैं यहाँ पे।
और ये रहा हैदराबाद की मैन्युफैक्चरिंग। गाइस पता है मैं चश्मा लेके आई थी और मैं पहनना ही भूल गई। अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग हो गई है और अब देखते हैं आगे क्या लेते हैं। और यार मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, दिन में गर्मी हो रही है, सुबह शाम के ठंड हो रही है, पहने तो पहने के ये समझ नहीं आता। एक तो गाइस फाइनली आई फाउंड फाउंटेन पेप्सी। डोमिनोज पे नहीं है, बर्गर किंग में नहीं है, बट एक अलग से स्टॉल लगा हुआ है इसका। तो फाइनली आई कैच इट। जो मजा इसमें हम किसी में लिए। छोले भटूरे लिए थे, खा लिए, नॉट सो गुड। बीकानेर वाले के लिए थे, आज वो मज़ा नहीं है क्योंकि आज भीड़ भी है, तो मे बी इस वजह से ऐसा हो। माननीय मंत्री संस्कृति छत्तीसगढ़ शासन श्री अमरजीत भगत जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग श्री राजेंद्र। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे हर स्टेट में जा रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिलेगा। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर, वैसे तो क्या ही एंजॉय, बोरियत फील हो रही है, पर हाँ इट्स गुड फॉर बिजनेस पर्पस। तो गाइस अभी हैं हम लोग केरला और यहाँ पर यह है उत्तराखंड देहरादून। चलिए अब हम इसमें चलते हैं, जी तो वहाँ पे भी है, एक बार देख आती हूँ क्या हिसाब किताब है ना। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। लेट्स स्टार्ट उत्तराखंड शॉर्ट ट्यूब। चलिए फोन गंदा हो रहा है, जब साफ कर लूँ। मेरी न्यू स्लीपर्स नाइकी। और चलिए लेट्स स्टार्ट अल्मोड़ा की खीम सिंह बाल मिठाई। तो यस गाइस, तो गाइस थके हारे फाइनली घर की तरफ लौटते हुए, चेहरे पे देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा थकी हूँ। मेट्रो का वेट कर रहे हैं, फिर सीधे अब घर पे ही मिलते हैं यार। फाइनली गाइस थक हार के पैरों को तोड़ के आ गई मैं घर पे, और मैंने क्या लिया वो एक सरप्राइज है, आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। तो चलिए अब मैं सो जाती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। राम राम जी।